ओम प्रकाश बॉलीवुड फिल्मों के एक ऐसे महान कलाकार जिन्होंने सिनेमा के रूप वाले पर्दे पर कई किरदार जिए। जब वो साधु और शैतान तथा जंजीर जैसी फिल्मों में गंभीर भूमिकाएं निभाते नजर आते तो वह देखकर जरा भी भान नहीं होता कि यह वही शख्स है जिसने पड़ोसन, चुपके चुपके या नमक हलाल जैसी फिल्मों में लोगों को खूब हंसाया है। साथ ही उनकी अपना देश जैसी फिल्मों के नकारात्मक किरदारों को देखकर हम इस असमंजस में पड़ जाते हैं कि क्या यह वही इंसान है जिसने हमें कुछ फिल्मों में रुलाया तो कुछ में हंसाया है। आज के इस बेहद ही रोचक एपिसोड में हम भारतीय फिल्मों के महान कलाकार और बहुमुखी प्रतिभा के धनी ओम प्रकाश साहब के जीवन पर प्रकाश डालेंगे और जानेंगे उनके जीवन के संघर्ष के बारे में। शाबाश, बहुत अच्छे आदमी हो तुम, जरा मेरे करीब आओ। ये क्या करता है? कभी हमारे पांव पड़ता है, कभी हमारे गले पड़ता है। क्या मुसीबत है, लंबे की अकल घुटने में होती है पर तेरी तो लगता है जुत्ती में है। अरे आनंद बाबू, ओम प्रकाश साहब का जन्म 19 दिसंबर 1919 को ब्रिटिश कालीन पंजाब प्रांत के लाहौर में हुआ था। इनका पूरा नाम ओम प्रकाश छिब्बर था। ये अपने माता पिता के चार संतानों में से एक थे जिनमें तीन बेटे और एक बेटी थी। इनके पिता मिस्टर छिब्बर उन दिनों के रईस लोगों में गिने जाते थे जिनके बहुत से जायदाद लाहौर से लेकर जम्मू तक फैले हुए थे। एक बड़ी मशहूर कहावत है कि होनहार बिरवान के होते हैं चिकने पात। इसी के तर्ज पर ओम प्रकाश साहब का अभिनय और गीत संगीत के प्रति लगाव काफी छोटी उम्र से ही दिखने लगा था। नतीजन पिता ने इन्हें शास्त्रीय संगीत की विधिवत शिक्षा दिलवानी शुरू की जहाँ इन्होंने तकरीबन 12 सालों तक सीखा। इस दौरान इनके गुरु रहे भाई लाल नामक शास्त्रीय संगीत के प्रकांड विद्वान। संगीत शिक्षा के साथ साथ इनका अभिनय भी जारी रहा और जम्मू में ही दीवान मंदिर नाटक समाज से जुड़ गए। यह वो दौर था जहां इस प्रकार के नाटक मंडलियों में पुरुष ही महिलाओं के किरदार निभाते थे। नतीजन नवयुवक ओम प्रकाश की भोली शक्ल सूरत को देखकर उन्हें महिला के ही किरदार दिए जाने लगे। इस दौरान उनके द्वारा निभाया गया कमला नामक एक स्त्री पात्र बेहद ही मशहूर हुआ। यह नाटक मंडली विशेष मौकों पर रामायण का भी मंचन करती थी जहां सीता की भूमिका ओम प्रकाश साहब ही निभाते थे। अब ओम प्रकाश साहब धीरे धीरे युवावस्था में कदम रख रहे थे। इस उम्र में अक्सर युवाओं का दिल किसी न किसी को देखकर धड़क ही जाता है। ऐसा ही कुछ ओम प्रकाश साहब के साथ भी हुआ और ये एक लड़की के प्यार में गिरफ्तार हो गए। जब बात शादी तक जा पहुंची तो जाति भेद के कारण लड़की के परिवार वालों ने शादी से इनकार कर दिया। अभी दिल टूटने के गम से वो उबरे भी नहीं थे कि एक दिन एक विधवा औरत उनसे मिलने आ पहुंची। आते ही उसने ओम प्रकाश साहब के आगे अपना आंचल फैलाते हुए कहा कि आप मेरी बेटी से शादी कर लो, मेरी 5-5 बेटियां हैं और उनमें से किसी की भी शादी नहीं हो पा रही है। अगर आप मेरी बड़ी लड़की से शादी कर लेते हैं तो धीरे धीरे बाकियों की भी शादी हो जाएगी। ओम प्रकाश साहब एक बारगी तो चकरा गए पर जब उस महिला ने बताया कि इस संबंध में आपकी माँ से भी बात हो चुकी है और उन्होंने कहा है कि अगर ओम को कोई दिक्कत नहीं है तो हम शादी के लिए राजी हैं। उस विधवा महिला की बात सुनकर ओम प्रकाश साहब का दिल पसीज गया और अतः अपने पुराने प्यार को भूलकर उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी। इस तरह से उनकी शादी उस महिला की बड़ी बेटी प्रभा से हो गई। जब शादी हो गई तो जिम्मेवारियों का बोझ भी ओम प्रकाश साहब को समझ में आने लगा। यहाँ ऐसा भी नहीं था कि बिना काम किए उनकी गृहस्थी नहीं संभल रही थी, बल्कि उनके पिता इतने धनी थे कि उनकी कई पुश्तें बैठकर खा सकती थीं। पर ओम प्रकाश साहब का स्वाभिमान उनके आड़े आ गया और सन 1937 में उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो ज्वाइन कर ली जहां उनका प्रारंभिक वेतन रहा 25 रुपये प्रति माह। ओम प्रकाश साहब रेडियो में फतेहदीन नामक के किरदार को काफी मशहूर बना दिया और लोग उन्हें इसी नाम से पुकारने लगे। इस किरदार ने उन्हें घर घर में प्रसिद्धि भी दिलवाई थी। एक दिन किसी शादी समारोह में ओम प्रकाश साहब इसी किरदार से लोगों का मनोरंजन कर रहे थे। संयोग से उस समारोह में उन दिनों के मशहूर फिल्मकार दलसुख पंचोली भी मौजूद थे। वो ओम प्रकाश साहब से बेहद ही प्रभावित हुए और कुछ ही दिनों बाद उनका एक टेलीग्राम ओम प्रकाश साहब को उनके जम्मू स्थित घर पर मिला जिसमें लिखा था, अगर आप फिल्मों में काम को लेकर उत्सुक हैं तो हमसे लाहौर आकर मिलें। ठीक इन्हीं दिनों ओम प्रकाश ऑल इंडिया रेडियो से इस्तीफा भी दे चुके थे। वास्तव में समस्या वेतन की थी। उनका वेतन 25 रुपये से बढ़ाकर
40 रुपये अवश्य कर दिया गया था, लेकिन अब भी वो वेतन वहाँ काम कर रहे कई जूनियर कर्मचारियों से भी कम था। एक धनाढ्य परिवार में जन्मे ओम प्रकाश को यह वेतन उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाने सा लगा। खैर, जब दलसुख पंचोली का टेलीग्राम उनको मिला तो उनकी पत्नी प्रभा और बाकी परिवार वालों ने उनसे कहा कि उन्हें लाहौर अवश्य जाना चाहिए। इस तरह से एक दिन ओम प्रकाश साहब लाहौर जा पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने दलसुख पंचोली को फोन किया और बताया कि मैं ओम प्रकाश बोल रहा हूं और आपके कहे अनुसार मैं लाहौर पहुंच चुका हूं। दूसरी तरफ से दलसुख पंचोली का जवाब था कि मैं किसी ओम प्रकाश को नहीं जानता। पंचोली साहब के इस जवाब से ओम प्रकाश साहब को बेहद ही हैरानी हुई। अंत में वो हैरान परेशान एक पान की दुकान पर जा पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात प्राण साहब से हुई। बातों बातों में यह साफ हो गया कि वास्तव में पंचोली साहब ने किसी को तो अवश्य बुलाया है, पर उसका नाम ओम प्रकाश ना होकर फतेहदीन है। अब ओम प्रकाश साहब को सारा माजरा समझ में आ गया और उसी दिन उन्होंने पंचोली साहब से जाकर उनके घर पर मुलाकात की। जब पंचोली साहब ने उन्हें देखा तो कहा कि आओ मियां फतेहदीन, तुम्हारा ही इंतजार था। यह सुनकर ओम प्रकाश मन ही मन मुस्कुरा उठे। जब पंचोली साहब ने पूरी बात सुनी तो दोनों ने मिलकर खूब ठहाके लगाए, जिसके बाद ओम प्रकाश को उन्होंने अपनी फिल्म दासी के लिए साइन कर लिया। इस तरह से उनकी एक्टिंग की गाड़ी चल निकली, पर होनी को कुछ और ही मंजूर था। ठीक इसी दौरान भारत विभाजन हुआ और लाहौर समेत देश के विभिन्न हिस्सों में दंगे शुरू हो गए। ऐसी विकट परिस्थिति में ओम प्रकाश ने वापस जम्मू स्थित अपने परिवार के पास जाने की काफी कोशिशें की, पर ऐसा हो न पाया और परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि ये बम्बई जा पहुंचे। वहां पहुंचकर ओम प्रकाश को जीवन का असली रंग देखने को मिला। वो परिवार से मिलो दूर थे और जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। ऐसे में ओम प्रकाश को 3 दिनों तक भूखे पेट रहना पड़ा। नतीजन वो बेहोश होकर गिर पड़े। जब कुछ मुसाफिरों ने उन्हें होश में लाया तो ओम प्रकाश ने सोचा कि सबसे पहले भोजन किया जाए और बिना सोचे समझे पास ही स्थित एलिफिस्टन होटल में जा पहुंचे। वहां उन्होंने पेट भर के भोजन किया, पर बिल देने के लिए उनके पास रुपए नहीं थे। नतीजन वो होटल के मैनेजर के पास जा पहुंचे और कहा कि आपके 16 रुपये का बिल इस वक्त मैं नहीं चुका सकता, लेकिन हाँ, जैसे ही मेरे पास पैसे आ जाएंगे आपको अवश्य चुका दूंगा। यह सुनकर मैनेजर को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उन्होंने ओम प्रकाश साहब के हालत पर तरस खाते हुए उन्हें जाने दिया। अब आई काम के तलाश की बारी। ऐसे में ओम प्रकाश साहब अपने लाहौर के उन मित्रों के पास जा पहुंचे जो उनसे कुछ ही समय पहले बम्बई आकर फिल्मों में काम करना शुरू कर चुके थे। इसी क्रम में ओम प्रकाश को निर्देशक जयंत देसाई ने अपनी फिल्म में एक खलनायक के तौर पर साइन कर लिया। उन दिनों फिल्मकार कलाकारों को एक मुश्त फीस न देकर महीनों के पगार पर रखते थे, लिहाजा इन्हें भी 5,000 रुपये प्रति माह पर रख लिया गया और पेशगी के तौर पर 1,000 रुपये भी दे दिए गए। ओम प्रकाश को अब पैसों की चिंता न थी। सबसे पहले वो एलफिंस्टन होटल जा पहुंचे और अपना 16 रुपये का उधार चुकाया। इस तरह से ओम प्रकाश का फिल्मी करियर एक बार फिर से जोर पकड़ने लगा और जब आर्थिक स्थिति सुधरी तो उन्होंने अपनी पत्नी और अपने एक भाई के परिवार को बम्बई बुला लिया। इस दौरान उन्होंने साल 1985 में आई निर्देशक पीएल संतोषी की फिल्म सरगम में काम किया, जिसके लीड हीरो थे शोमैन राज कपूर। आगे चलकर 50 के दशक में इन्होंने खजाना, बहार, अनहोनी, शिकस्त, मरीन ड्राइव और आजाद जैसी कई मकबूल फिल्मों में काम किया। इस दौरान इनकी प्रतिभा को देखकर कुछ फिल्म प्रोड्यूसर्स ने इन्हें फिल्में निर्देशित करने की जिम्मेवारी भी दी। साल 1937 की गेटवे ऑफ इंडिया और 1959 की कन्हैया इनके द्वारा निर्देशित कुछ बेहद ही मकबूल फिल्में हैं। 60 के दशक तक आते आते ओम प्रकाश आर्थिक तौर पर काफी मजबूत हो चुके थे, अतः इन्होंने स्वयं फिल्में प्रोड्यूस करनी भी शुरू कर दी। साल 1961 की संजोग और 1964 की जहां आरा इनकी कुछ ऐसी ही फिल्में रहीं। ओम प्रकाश साहब उन गिने चुने सौभाग्यशाली फिल्म कलाकारों में से एक हैं जिन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों से लेकर रंगीन फिल्मों तक का सफर देखा, जहां इनके को स्टार हर दौर के सुपरस्टार रहे, चाहे वो राज कपूर हों, दिलीप कुमार हों, देव आनंद हों या फिर धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन हों। बात करें इनके निजी जीवन की तो इनके कोई भी संतान नहीं हुए, लेकिन इन्होंने अपने भाई के संतानों को अपना माना। खैर, 90 के दशक तक आते आते इनका उम्र काफी ढल चुका था और इनके परिवार के कई सदस्य भी इन्हें छोड़कर धीरे धीरे दुनिया को अलविदा कहने लगे। ओम प्रकाश साहब यह सब देखकर काफी दुखी रहने लगे और साल 1994
तक आते आते इन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली। ओम प्रकाश साहब अब दिल के मरीज हो चुके थे और साल 1998 में इनको हार्ट अटैक भी आया, जिसके कारण इन्हें लीलावती हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां कुछ दिनों तक कोमा में रहने के बाद 21 फरवरी 1998 को इस हर दिल अजीज कलाकार ने दुनिया को अलविदा कह दिया और पीछे छोड़ गया अपनी बेशुमार यादें। तो ये थी बॉलीवुड फिल्मों के महान अभिनेता ओम प्रकाश साहब पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको ओम प्रकाश साहब के जीवन से भली भांति परिचित करवा दिया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी अवश्य करें, तथा चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन भी दबा दें। धन्यवाद।